तो उनको हमारी तरह शमशान में थोड़ी दफन करने जाते हैं, जलाने जाते हैं। मरी हुई मछली पानी में पड़ी रहेगी, दूसरी बड़ी मछली उसको खाएगी जितना खाना होगा, बाकी की डेड बॉडी उसकी उसी में ही पड़ी रहेगी, है ना। तो ब्लड भी मिक्स हो जाता है, बहुत कुछ मिक्स हो जाता है उस समुंदर के पानी में। फिर उस समुंदर का पानी जो होता है, आप लोग किनारों के ऊपर छोटे छोटे बैच बनाते हैं, खड्डे करके, चोरस चोरस खड्डे करके उसमें जमा कर देते हैं, और फिर नया पानी नहीं आता है उसके अंदर। जो पानी पड़ा है वो उसको धूप से उसको सुखाया जाता है। जब वो सूखता जाएगा पानी, तो सॉल्ट रह जाएगा हमारे पास, तो सॉल्ट तो रह गया, अभी वो खाने लायक नहीं है क्योंकि खुले में पड़ा है, और खुले में तो कुत्ते घूमते रहते हैं, डॉग्स, है ना। तो कुत्तों को थोड़ी रोक सकोगे समुंदर किनारे जाने से आप, तो वहाँ पर आपका तो नमक सूखा पड़ा है, उसके भी वॉशरूम नहीं होते हैं। तो डॉग्स को भी मन किया तो उसको इम्प्योर कर दिया, है ना। तो फिर वो नमक हम कैसे खा सकते हैं, उसको प्यूरीफाई तो करना पड़ेगा ना। तो उसको भी क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से, अलग अलग टेक्निक से प्योर करते हैं, राइट, और फिर हम खाने में खाते हैं। अभी सब आप रिमाइंड करो कि ये आपका सॉल्ट जो आप खा रहे हो पिज़्ज़ा के ऊपर, छिड़क के ऊपर, तो वो सॉल्ट आया कहाँ से, समुंदर में से नहीं, कंपनी में से। कौन सी कंपनी का है, टाटा कंपनी का है। टाटा कंपनी के पास कहाँ से आया, समुंदर में से। समुंदर में तो सर बोल रहे थे बहुत सी मछलियाँ हैं वॉशरूम में, ये तो अभी आप उसमें डालोगे, हाँ डालोगे, क्यों, क्योंकि प्योर है, लेकिन याद नहीं करोगे वो सब कुछ, क्योंकि एक बार प्योर हो गया फिर क्या है। दुनिया में एक ऐसा देश है बहरीन या कतार, एग्जैक्टली आई डोंट नो, उसके पास 10% ही पानी है पीने लायक, बाकी का पानी है ही नहीं, और लोग तो बहुत रहते हैं वहाँ पर, राइट। तो पानी उनको कहाँ से मिलेगा, लेकिन उनका जो आइलैंड है वो समुंदर के बीचों बीच है, तो उन्होंने फिल्टर ऐसा लगा रखा है कि समुंदर का पानी उसको पीने लायक बनाए, लेकिन अभी तक ऐसा बना नहीं हुई है कोई अच्छा खासा मॉडल, वरना पानी की पूरी किल्लत हमें दूर हो जाएगी, है ना। फिर सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स फ्रॉम द अलम, फिटकरी फ्रॉम इम्प्योर सैंपल्स। फिटकरी जो इम्प्योर होती है उसको भी प्योर करना है हमें, तब भी ये प्रोसेस काम आएगा क्रिस्टलाइजेशन का। फिटकरी मैंने आपको बताई थी क्या होती है, राइट। दस बाय चूजिंग वन ऑफ द अबव मेथड्स अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, वी गेट ए प्योर सब्सटेंस। विथ एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी, मैनी मोर मेथड्स ऑफ सेपरेशन टेक्निक्स हैव बीन डिवाइज्ड। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होती गई, तो अलग अलग सब्सटेंस का सेपरेशन हमको पता चलता गया, और अलग अलग सब्सटेंस को हम प्योर करते गए। इन सिटीज़ ड्रिंकिंग वाटर इज सप्लाइड फ्रॉम द वाटर वर्क्स। अ फ्लो डायग्राम ऑफ ए टिपिकल वाटर वर्क एज शोन इन फिगर 2.13। फ्रॉम दिस फिगर राइट डाउन द प्रोसेस इन्वॉल्व टू गेट द सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर टू योर होम फ्रॉम द वाटर वर्क्स एंड डिस्कस इट इन योर क्लास। अभी तुम्हारे घर में जो पानी आता है वो कहाँ से आता है, फ्रॉम वेयर डज यू गेट द वाटर, नल में, नल में कहाँ से आया, वेल में से। मेरे घर के पास तो कहीं पर कुआं नहीं है, फिर भी मेरे घर में पानी आ रहा है। सबके घर के पास कुआं नहीं होता है, कौन सी टंकी, अरे कौन सी टंकी में से आया पानी, घर के ऊपर होती है उस टंकी में, उसमें आया कैसे, तो वो पाइप कहाँ से लाता है पानी, उसमें कहाँ से आया, समुंदर में से देते हैं पानी, समुंदर में से पानी देते हैं। ये तो मैं आज सुन रहा हूँ, फिर तो हमें पानी की कमी नहीं होनी चाहिए कभी। भुज में कितने दिन में पानी देते हैं, रोज आता है, छः दिन। आज पानी आया तो छः दिन तक पानी नहीं आएगा तुम्हारे घर पे भुज में, तो तुम्हें छः दिन का पानी घर में इकट्ठा करके रखना पड़ेगा।
तो आप बोलते समुंदर में ऐसा, तो हमारे पास तो तीन तीन समुंदर, मांडवी भी है, मुंद्रा भी है और गांधीधाम भी है, जखऊ भी है। इतना समुंदर तो नज़दीक है पाइपलाइन से, 24 घंटे पानी दो जितना चाहिए उतना, फिर क्यों 6 दिन में देते हैं? कहाँ से आता है पानी हमारे घर? बोलो बोलो, भले आंसर रॉन्ग हो। नगर पालिका की, हाँ नगर पालिका के पास क्या होगा? पूरे भुज को पानी देने के लिए उसके पास कितनी बड़ी टंकी होगी? ये बोल रहे टैंकर, रोज थोड़ी ना टैंकर से आते हैं। रोज तुम्हारे घर में नल में जो पानी आता है तो नगर पालिका के पास कहीं जमा होगा, तभी तो देता होगा ना। तो कहाँ होगा वो पानी? हाँ, मेन सोर्स ऑफ वाटर इज रेन, ये तो हमको पता है। अभी देखो भुज में कितने दिन से सूरज नहीं निकला, बारिश तो आई नहीं रही, आ रही है तो दो चार बूंदे आती है बस, इसमें थोड़ी ना पानी दे पाएंगे पूरे भुज को। नहीं सोचो, अपना दिमाग चलाओ, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चंस तो पूछने चाहिए ना, या सोचने चाहिए कहाँ से आता है ये पानी। नहीं, जब भी बारिश का पानी जो आता है तो ज़्यादातर पानी जो है वो नदियों में जाता है, राइट? और नदियों के ऊपर हमने डैम बना रखे होते हैं। तो क्या होता है डैम का मतलब? क्या हुआ कि एक बड़ी सी दीवार होती है, तो नदी का पानी ओवरफ्लो होने लगेगा तो पानी को रोक लेगा, समुंदर में जाने नहीं दे, क्योंकि एक बार समुंदर में चला गया तो उसको फिर प्यूरीफाई करना मुश्किल है पानी को, है ना। लेकिन डैम के पास पानी अगर जमा रह गया, तो बड़े बड़े डैम होते हैं जिसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा करते हैं पानी जब फ्लो होता है तब, राइट? इसमें दिखाऊंगा मैं आपको बड़े बड़े डैम में कैसा होता है पानी छोड़ते हैं तो, राइट? और वो पानी, एक तो नदी का पानी होता है, एक डैम का पानी होता है ना, वो पानी संभाल के रखते हैं, और उसमें से अलग अलग नगर पालिका को उसका एक बड़ा बड़ा टंकी होता है जहाँ पर वो पानी, क्योंकि नदी का पानी भी गंदा होगा ना, नदी में भी बह बह के आता है हर जगह से, तो फिर उसको फिल्टर प्लांट होता है उसमें जाता है, पहले प्यूरीफाई होता है वो पानी, राइट? अलग अलग स्टेज में, तुम्हारे घर में कैसे आरओ सिस्टम लगी होती है फिल्टर वाली, ऐसे बड़े बड़े फिल्टर लगे होते हैं नगर पालिका के वहाँ, तो वहाँ से पानी साफ़ होके आता है। साफ़ होता है मतलब गंदगी निकल जाती है, लेकिन बैक्टीरिया ने वो तो अभी भी होते हैं उसमें, इसीलिए आपको आरओ करना पड़ता है, उसके अंदर क्षार भी होता है, मिट्टी के पदार्थ भी होते हैं। अगर डायरेक्टली प्योर हमको पानी मिलता तो हम अपने घर में फ़िल्टर क्यों लगाते? तो आपके घर में भी फ़िल्टर करोगे ना तो फ़िल्टर में देखना बहुत सारी मिट्टी नहीं वो निकलेगी, और उसके बावजूद भी अंदर जो दूसरे फिल्टर होते हैं उसमें कीटाणु नहीं वो सब निकल जाते हैं, उसमें भी गंदगी निकलती है, राइट? तो हर एक स्टेज के ऊपर पानी को हमें प्योर करना पड़ता है, और पानी तो सबकी बेसिक ज़रूरत है, पानी नहीं है तो कुछ भी नहीं, इसलिए तो बोलते हैं जल ही जीवन है। अब सुबह से एक्टिविटी काउंट करो कि तुम्हें पानी की कब कब ज़रूरत पड़ती है, राइट? तो एक दिन में एक इंसान को कितना पानी चाहिए? तुम्हारे घर में एक इंसान को एक दिन में कितना पानी चाहिए? तो ब्रश करते हैं तो सर एक लोटा पानी चला जाता है, फिर वॉशरूम जाते हैं तो दो चार लोटे उसमें चले जाते हैं, ठीक है? फिर नहाने जाते हैं तो एक बाल्टी पानी उसमें चला जाता है, फिर सुबह नाश्ता में चाय बनाती है रोटी बनाती है तो एक दो लोटा उसमें भी पानी चाहिए, फिर नाश्ता करने के बाद एक गिलास पानी पीना पड़ता है हमें, फिर स्कूल आते हैं तो एक बोतल भर के आते हैं, फिर दोपहर का खाना है उसमें तीन चार लोटे लग जाते हैं, एक लोटा छाछ में लग जाता है, एक दो लोटा रोटी बनाने में लग जाता है, एक दो लोटा सब्जी चावल में लग जाता है, राइट? फिर खाना खाने के बाद पानी पीते हैं, फिर शाम का खाना बनाते हैं उसमें पानी चाहिए, कपड़े धोएंगे, फिर जिसमें खाना खाए वो बर्तन धोएंगे, राइट? और हो सकता है बाहर से गंदगी गंदे हो के आए तो रात को फिर नहाना पड़े हमें, तो एक इंसान को कम से कम दिन में 3 बाल्टी पानी चाहिए, 3 बाल्टी मतलब 15 लीटर पानी एक इंसान को। तो
तुम्हारे घर में चार जने हैं तो रोज का 100 लीटर पानी तो हो गया यूं ही, एक घर को 100 लीटर एक दिन का, तो एक महीने का 3000 लीटर, 3000 लीटर तो एक घर है तुम्हारा, तुम्हारे घर कितने होंगे पूरे गांव में, तो एक महीने में इतना पानी चाहिए तो एक साल में कितना चाहिए, बारिश की सीजन तो साल में एक ही बार आती है ना, इस बार जितना भगवान पानी दे देंगे वो हमको पूरे साल चलाना है। तो जितना पानी नदी में जाता है, कुछ पानी समुंदर सॉरी नीचे ज़मीन में भी उतर जाता है। अभी एक नया सिस्टम निकला हुआ है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, के बारिश का पानी को आप संभाल के रखो, वेस्ट जाने मत। अभी देखो बारिश गिरेगी तो क्या होगा, अपने छत के ऊपर पानी बहुत सारा गिरता है, फिर छत के ऊपर से पाइप लगी पड़ी, वो पाइप नीचे पानी गिराती रहती है और वो पानी गिरा के गेट से बाहर चली जाती है रोड के ऊपर। तो अगर हमने अपनी स्कूल में एक अंडरग्राउंड टंकी बना रखी हो और सारा का सारा बारिश का पानी उस टंकी में चला जाए तो वो पूरे साल हमको पानी काम आएगा ना। तो ये तो हमारी बिल्डिंग की बात हुई, यहाँ पर जितने भी घर हैं सब में ये सिस्टम लगा रखे कि अंडरग्राउंड बड़ी टंकी कर दो, बारिश का जितना पानी हो सब उसमें जमा करते जाओ, तो हमें नगर पालिका का पानी इतना कम यूज़ करना पड़ेगा, है ना। तो पानी जितना जमा करेंगे बारिश का उतना हम सबको फ़ायदा है। दिस इज़ नोन एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पूरा एक चैप्टर है ये तो 8th स्टैंडर्ड में या 7th स्टैंडर्ड में, 10th में भी आएगा ये टॉपिक। क्यों? क्योंकि पानी हमारी सबकी ज़रूरत है। ये तो हमारे सिर्फ एक गांव की बात हुई, पूरे भारत में कितने गांव हैं, पूरे इंडिया में कितने हुए, फिर पूरे वर्ल्ड में पानी तो सबको चाहिए ना। ऐसा थोड़ी ना ब्रिटिशरों को पानी नहीं चाहिए, लंदन वालों को पानी नहीं चाहिए, ऐसा तो नहीं है। तो उन सबको पानी देने का काम तो भगवान ही करते हैं, तो भगवान के पास इतना स्टोरेज तो होना चाहिए पूरी दुनिया के लोगों को। अपने भारत में लोग आपको पता है रफली आइडिया है 130 करोड़ लोग हैं, 130 करोड़ लोग इंडिया में हैं, रोज़ की 3 बाल्टी यानी 15 लीटर, तो 130 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 15, इतने लीटर पानी रोज़ चाहिए इंडिया को ही, तो बाकी के वर्ल्ड के लोगों को कितना पानी चाहिए होगा।